सवाल नंबर एक, किस जानवर का इस्तेमाल दांत ठीक करने के लिए किया जाता है? दोस्तों जोंक एक ऐसा प्राणी है जिसका इस्तेमाल कई देशों में चर्म रोग, पिंपल, दांतों से जुड़ी समस्याओं को ठीक करने में किया जाता है। सवाल नंबर दो, क्या स्पेस में भी गड्ढा होता है? दोस्तों हाल ही में जेम्स वेब टेलीस्कोप ने एक तस्वीर खींची है जिसे नासा ने साझा किया है। इसमें बताया गया है कि अंतरिक्ष में एक ऐसा स्पॉट मिला है जहां खाली पेन है। अगर आप इसे पार करते हैं तो आप 752,536,988 वर्षों तक किसी भी चीज से नहीं टकराएंगे। सवाल नंबर तीन, किस देश के सैनिक 95,000 रुपए के कप में चाय पीते हैं? दोस्तों अमेरिकन सैनिक लगभग 95,000 रुपए के कप में चाय पीते हैं। इस कप की खास बात यह है कि इसमें अगर ठंडी चाय डालने पर कप उसे गर्म कर देता है। सवाल नंबर चार, क्या कोहिनूर हीरे को हथौड़े से तोड़ा जा सकता है? दोस्तों किसी भी हीरे को लोहे का हथौड़ा मारकर तोड़ा जा सकता है, किंतु अगर हीरे को लोहे पर घिसा जाए तो वह लोहे पर तुरंत खरोच डाल देगा। हीरे को काटने व पॉलिश करने के लिए हीरा ही काम आता है। बहुत बारीक हीरे के कण जड़ी हुई प्लेट से ही हीरे की कटिंग पॉलिशिंग की जाती है। सवाल नंबर पाँच, किस ट्रेन को धक्का देकर चालू किया गया था? दोस्तों मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 12 जून 2015 को ट्रक की तरह ट्रेन को भी धक्का देकर चालू किया गया था, क्योंकि कैलरस सबलगढ़ ट्रेन का इंजन गर्म हो जाने की वजह से वो रुक गई थी। सवाल नंबर छह, भारत के किस व्यक्ति ने आयरन मैन की तरह सूट बनाया था? दोस्तों आयरन मैन से प्रेरित होकर वाराणसी के श्याम चौरसिया ने इंडियन आर्मी के लिए एक ऐसा सूट विकसित किया है जो न केवल दुश्मनों के साथ होने वाली मुठभेड़ों में एक सैनिक की रक्षा करता है, बल्कि यह रियल टाइम अपडेट और सेंसर के साथ कनेक्टिविटी भी प्रदान करता है जो पीछे से गुप्त हमलों को रोक सकता है। सवाल नंबर सात, कितने लोगों ने मिलकर भारतीय तिरंगा बनने का रिकॉर्ड बनाया है? दोस्तों चंडीगढ़ में शनिवार को 5,885 लोग मिलकर फहराता तिरंगा झंडा बन गए। वही नहीं, इस शानदार उपलब्धि ने मानव झंडा में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। सवाल नंबर आठ, किस कंपनी ने शर्ट के अंदर पहनने वाला एसी बनाया है? दोस्तों सोनी कंपनी ने जापान में रेयन पॉकेट 2 नामक एसी लॉन्च किया है। यह एक छोटे आकार का एसी सिस्टम है जिसे खास तौर पर कपड़ों के अंदर पहनने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी कीमत 14,850 येन है जो भारत में करीब 10,300 रुपए होगी। यह प्रोडक्ट स्वेट प्रूफ है। सवाल नंबर नौ, कौन सी गुफा सांप के आकार के जैसी दिखती है? दोस्तों थाईलैंड में एक गुफा है जिसे नका गुफा कहा जाता है, जो एक विशालकाय सांप की तरह दिखती है। ऐसा माना जाता है कि सदियों पहले एक सांप को पत्थर होने का श्राप मिला था। सवाल नंबर 10, क्या कार के सामने बम्पर गार्ड लगाना गैरकानूनी है? दोस्तों मोटर वाहन अधिनियम की धारा 52 के अनुसार मोटर वाहन के सामने बम्पर गार्ड लगाना अवैध है, क्योंकि बम्पर गार्ड एयरबैग के काम में हस्तक्षेप कर सकते हैं। एक्सीडेंट के समय बम्पर गार्ड की वजह से एयरबैग गलत समय पर खुलता है। यदि आप किसी भी पैदल यात्री को मारते हैं तो उससे गंभीर चोट लग सकती है, क्योंकि गार्ड स्टील से बने होते हैं। सवाल नंबर 11, दुनिया की सबसे महंगी गाय कौन सी है? दोस्तों दुनिया की सबसे महंगी गाय पॉश स्पाइस है, जिसका दाम 2.61 करोड़ रुपए है। ये गाय मध्य इंग्लैंड में 2014 में सेल हुई थी। 1990 में इस गाय को बेचने के लिए बोली लगी थी। सवाल नंबर 12, नहाने के साबुन पर टॉयलेट सोप क्यों लिखा होता है? दोस्तों नहाने के साबुनों पर टॉयलेट सोप लिखा होता है, आगे ही उनकी ग्रेड और TFM वैल्यू भी लिखी हुई होती है। टॉयलेट अंग्रेजी भाषा का शब्द है, तो अंग्रेजी भाषा के शब्दकोशों के मुताबिक टॉयलेट शब्द के दो अर्थ होते हैं, जो कि सफाई और संवारने से ताल्लुक रखते हैं। सामान्य शब्दों में कहा जाए तो टॉयलेट का एक अन्य अर्थ सफाई करना और संवारना है, इसलिए टॉयलेट सोप लिखा होता है। सवाल नंबर 13, किस देश में बच्चों से ज्यादा बड़े लोग डायपर पहनते हैं? दोस्तों जापान में जन्म दर काफी कम है, लोगों के पास बच्चे पैदा करने के लिए समय या पैसा नहीं है। एक दिलचस्प तथ्य यह है कि वे बच्चे के डायपर की तुलना में वयस्क के डायपर अधिक बेचते हैं। सवाल नंबर 14, इलेक्ट्रिक प्लग के तीनों पिन में चीरा क्यों लगाया जाता है? दोस्तों बिजली के प्लग में पिन में कट लगा दिया जाता है ताकि गर्म होने पर उसका आकार न बदल सके। जब भी ऐसे पिनों से बिजली प्रवाहित होती है तो चीरा के कारण बिजली दो भागों में बट जाती है, जिससे वे जल्दी गर्म नहीं होती है। इसके नुकसान का कोई खतरा नहीं है। सवाल नंबर 15, भारत के किस शहर में भिखारियों का खुद का बैंक है? दोस्तों बिहार के मुजफ्फरपुर में भिखारियों का खुद का बैंक है। भिखारी भीख से मिलने पैसे यहाँ जमा करते हैं और कर्ज के साथ साथ जमा राशि पर भी ब्याज मिलता है। इस बैंक की संचालन प्रक्रिया कुछ ऐसी है जिसमें 175 भिखारियों ने अलग अलग 5 सेल्फ हेल्प ग्रुप बना रखा है।
सवाल नंबर 16, किस महासागर में विचित्र जानवर मिला है? दोस्तों, प्रशांत महासागर में वैज्ञानिकों को एक ऐसा विचित्र जीव मिला है जो आज तक कहीं नहीं देखा गया था। इस जीव का शरीर करीब 9 फीट का है, जिसके एक तरफ लंबी पूंछ है और दूसरी तरफ ढेर सारे सुंडो यानी टेंटेकल्स का झुंड है। सवाल नंबर 17, के कंप्यूटर के प्रोसेसर में सोना होता है? दोस्तों, कंप्यूटर के सीपीयू में भी सोना होता है। इसका इस्तेमाल सर्किट बोर्ड, ट्रांसमीटर और पिनों में होता है। कंप्यूटर में लगने वाली इंटेल, आईबीएम, सन, एचपी आदि की प्रोसेसिंग चिप में भी सोने का इस्तेमाल किया जाता है। एक्सपर्ट की माने तो कंप्यूटर के कई ऐसे पार्ट्स को सोने से कोटेड किया जाता है। गोल्ड की कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, लेकिन सोने की यह मात्रा मिलीग्राम में होती है। ना आप निकाल पाएंगे और ना ही इसे बेच पाएंगे। सवाल नंबर 18, किस देश ने भारतीय झंडे को छोड़कर अमेरिका, ब्रिटेन का झंडा हटा दिया? दोस्तों, रूस ने वन वेब सैटेलाइट को ले जाने वाले रॉकेट से अमेरिका, ब्रिटेन, जापान के झंडे को हटा दिया है, लेकिन भारतीय ध्वज को बरकरार रखा है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक वार का असर अंतरिक्ष में भी देखने को मिला है। सवाल नंबर 19, एस्केलेटर के बीच पीली पट्टी क्यों होती है? दोस्तों, एस्केलेटर के बीच बनी पीली रंग की लाइन आपने अक्सर देखी होगी, जिसमें दाई और लाइन में जो लोग जल्दी में नहीं है और एस्केलेटर पर खड़े रहना चाहते हैं, उन्हें पीली रेखा के दाई और खड़े होना चाहिए। वहीं बाई और जो लोग जल्दी में है और चलती सीढ़ियों पर चलना या चढ़ना चाहते हैं, उन्हें पीली पट्टी के बाई और चलना चाहिए। सवाल नंबर 20, किस देश में शादी की पहली रात परिवार वाले के भी साथ में होते हैं? दोस्तों, कोलंबिया में काली में महिलाओं को शादी के बाद पहली बार अपने पति के साथ यौन संबंध अपनी मां की उपस्थिति में बनाने पड़ते हैं। ऐसा नहीं करने पर परिजन दूल्हे के विरुद्ध केस दर्ज करते हैं। सवाल नंबर 21, किस हीरे की कीमत 1,000 करोड़ रुपए है? दोस्तों, अफ्रीकी देश अंगोला में एक हीरे की खदान में से बहुत दुर्लभ लूलो रोज नाम के गुलाबी हीरा मिला है। इसका वजन 170 कैरेट बताया जा रहा है। यह दुनिया भर में पिछले 300 सालों में मिला सबसे बड़ा हीरा है। अगर इसे नीलामी के लिए रखा जाए तो इसकी कीमत 1,000 करोड़ रुपए होगी। सवाल नंबर 22, किस देश में सरसों का तेल नहीं खा सकते? दोस्तों, सरसों का तेल विदेशों में भी मिलता है, लेकिन नीदरलैंड देश में इसकी तीखी गंध और गाढ़े रंग को पसंद नहीं किया जाता, इसलिए नीदरलैंड देश में सरसों को तेल को बैन किया हुआ है। यहाँ सरसों को कोलजात कहते हैं। सवाल नंबर 23, किस देश के टॉयलेट में मक्खी को चिपकाते हैं? दोस्तों, कई देशों में अलग अलग कंपनियां या सार्वजनिक प्लेस पर टॉयलेट में एक 3D मक्खी बना दी जाती है, जिससे जब भी कोई शख्स पेशाब करने जाता है तो वो यूरिनल पे मक्खी को देखता है तो उस पर ही टारगेट करता है, यानी पेशाब उससे उस पर निशाना बनाता है और लगातार मक्खी पर ही निशाना बनाता है। इससे सफाई का खर्चा कम हो गया है, क्योंकि फिर पुरुष सिर्फ यूरिनल में ही पेशाब करते हैं और इससे आसपास सफाई का खर्चा कम हो जाता है। सवाल नंबर 24, किस रिवॉल्वर में चाकू भी बनाया गया है? दोस्तों, 1960 के दशक के शुरुआत में फ्रेंच गैंगस्टर ने अपाचे रिवॉल्वर नामक एक हथियार का इस्तेमाल किया, जो रिवॉल्वर, चाकू और एक ब्रास नकल के रूप में काम आ जाती थी। सवाल नंबर 25, दुनिया में सबसे महंगी दवाई कौन सी है? यह किस बीमारी में काम आती है? दोस्तों, दुनिया की सबसे महंगी दवाई जोलंगसेमा है। इसके एक वायल की कीमत 16 से 18 करोड़ रुपए है। हैदराबाद के एक बच्चे को इस 16 करोड़ के इंजेक्शन लगाने की खबर न्यूज़पेपर में छपी थी। पैसे क्राउड फंडिंग से जुटाए गए थे। इस इंजेक्शन की एक ही डोज लगाने की जरूरत पड़ती है। यह बच्चों को एक बहुत ही कम होने वाली बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी में दी जाती है।